नमस्कार। ये आज हम लोग फिर से अपने पिछले वीडियो के आगे हम लोग शुरू करेंगे। और अगर आपने हमारा ये पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसका हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। पिछले हम लोग लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से शुरू किए थे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग काफी पॉइंट्स चार्ज के बारे में डिस्कस हो चुका है, उसमें बेसिकली दो पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग आज इसमें तीसरे पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हैं और आगे हम देखते हैं कि क्या क्या इसमें और भी पॉइंट आएंगे जिसको हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। चलिए, तो देखिए थर्ड पॉइंट जो आ रहा था चार्ज के बारे में वो ये है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। यानी चार्ज अगर कहीं पे भी एग्जिस्ट कर रहा है तो ये श्योर है कि वो बिना मास के कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। यानी अगर हम बात कर रहे हैं कि मान लीजिए कोई बॉडी है और इसमें इसका चार्ज प्लस क्यू हो, तो प्लस क्यू अगर इसके पास चार्ज है तो ये श्योर है, दिस इज अ कन्वीनियंस प्रूफ कि यहां पे इसके पास मास एग्जिस्ट करेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट जो बात है, यानी अगर मास एग्जिस्ट करता है तो ये जरूरी नहीं है कि वहां पे चार्ज एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि चार्ज जो है दैट इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद द मास। यानी चार्ज बिना मास के कभी भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन मास बिना चार्ज के भी एग्जिस्ट कर सकता। उसके साथ ये जरूरी नहीं है कि अगर मास एग्जिस्ट कर रहा है तो वहां चार्ज भी एग्जिस्ट करे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अगर हम लोग लें, आपने पढ़ा होगा फोटॉन्स या न्यूट्रिनो के बारे में। पॉइंट ये अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो फोटोन या फिर न्यूट्रिनो, ये जो दो पॉइंट्स होते हैं इनका अपना कोई मास नहीं होता है, दे आर मासलेस। अगर ये मासलेस है तो इसका क्या मतलब हुआ कि इनमें कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता, यानी ये कभी भी चार्ज नहीं हो सकते, दे कैन नेवर हैव अ चार्ज। इनके पास कभी भी कोई चार्ज नहीं हो सकता, दे कैन नेवर हैव अ चार्ज। यानी न्यूट्रिनो या फिर प्रोटॉन में चूंकि कोई मास नहीं है, ये मासलेस है, इसलिए इनमें कोई भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात अगर हम लोग करें इसी में, तो हम लोगों ने देखा होगा कि जैसे जो बीम होती है, तो यानी कि रेस, जैसे आप बीटा रेस ले लीजिए या फिर कॉस्मिक रेस लीजिए, सॉरी, या फिर आप कैनाल रेस लीजिए, तो ये जो रेस होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा डिफ्लेक्ट हो जाती है। तो डिफ्लेक्ट होने का मतलब, जैसे मान लीजिए अगर ये आपकी रेज है और हम यहां पे इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव बना दें, तो इस कंडीशंस में आप ये देखते हैं कि मान लीजिए बीम जो है वो जा रही है वो इधर मूव कर गई, या बीम जो जा रही है वो इधर मूव कर गई, तो इधर मूव करने का मतलब इसके पास निगेटिव चार्ज होगा और इधर मूव करने का मतलब इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि पॉजिटिव वाला किसकी तरफ अट्रैक्ट होगा, निगेटिव की तरफ, और निगेटिव वाला आपका पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो अगर इनका अट्रैक्शन इधर है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो भी रेज है उनके पास एक चार्ज है। यानी अगर इसको हम जैसे बीटा रेज लें, तो बीटा रेज जो अगर उसके पास निगेटिव चार्ज है तो दैट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव। तो इस कंडीशन में अगर ये डिफ्लेक्ट होती है तो इसका मतलब इसके पास चार्ज है, और अगर चार्ज है तो ये बिना मास के एग्जिस्ट नहीं कर सकता। यानी जो आपकी बीटा रेज होती है उसके पास मास है, यानी दैट विल शो द पार्टिकल नेचर। ये आपका जो है कैसा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर। लेकिन अगर इसी में आप बात करें, मान लीजिए हम गामा रेज की बात करते हैं या फिर एक्स रेज की बात करते हैं, तो गामा रेज या एक्स रेज जो होती है वो क्या करती है, बिल्कुल सीधे निकल जाती है, यानी उनका कोई डिफ्लेक्शन नहीं है, वो बिल्कुल सीधे निकल जा रहे हैं। मान लीजिए दीज आर द गामा रेज, ये बिल्कुल स्ट्रेट चली गई, कहीं कोई डिफ्लेक्शन नहीं इसमें, तो इनके पास कोई भी चार्ज नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इनके पास अगर चार्ज नहीं है तो हम ये कहें कि मासलेस है,
क्योंकि हमने ये आपसे पहले ही कहा कि चार्ज हमेशा मास के साथ एडजस्ट करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि मास भी आपका चार्ज के साथ ही एडजस्ट करे। ठीक है, तो ये बात आपको यहां से क्लियर हो गई होगी। तीसरी बात अब हम लोग करते हैं, ये दो मेन पॉइंट्स थे, एक तो ये और दूसरा आपका ये मेन पॉइंट था ये। इसमें क्या था, जैसे न्यूट्रिनो या प्रोटॉन जो है उनका अपना कोई मास नहीं होता, इसलिए इनमें चार्ज नहीं हो सकता, क्योंकि चार्ज कभी भी बिना मास के एग्जिस्ट नहीं करता। और दूसरी बात यहाँ हम लोग चुके रहे हैं कैनाल रेज के बारे में, तो चूंकि कैनाल रेज या बीटा रेज ये डिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इनके पास अपना चार्ज है। अगर चार्ज है तो देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ मास। चार्ज होना मतलब अपने आप में प्रूव करता है कि वहां पे मास एग्जिस्ट करेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं इसमें इसके तीसरे पॉइंट की, थर्ड पॉइंट इसमें, यानी सी पॉइंट। ये क्या कहता है, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कोई भी बॉडी हो, जैसे मान लीजिए एक ये बॉडी है, एक ये बॉडी है और एक ये तीन बॉडी है, दिस इज अ अनचार्ज आर न्यूट्रल बॉडी। और ये मान लीजिए आपका पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, तो पॉजिटिव चार्ज जो बॉडी है, और इसके बाद ये तीसरा हमने मान लिया ये निगेटिवली चार्ज है, इसके पास निगेटिव चार्ज है, तो देखिए निगेटिव चार्ज बॉडी जो होगी उसको जब आप निगेटिवली चार्ज करते हैं तो फॉर सच कंडीशंस यहां पे चूंकि इलेक्ट्रॉन जो होगा उसके पास एक्सेस हो जाता है, तो देयर इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहां क्या है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर यहां पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो आपको पता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 10⁻³¹ kg। अगर आप किसी बॉडी को मान लीजिए ये न्यूट्रल बॉडी है, इसका मास m है, तो इस कंडीशन में जब आप उसको निगेटिव चार्ज देते हैं तो उसका मास जो है वो बढ़ जाता है, m प्लस डेलियम हो गया। मान लीजिए हम डेलियम का चेंजिंग मास दिखा रहे हैं, अब यहां पे अगर हम देखें तो इसका मास जो होगा वो माइनस डेलियम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो रिलीज हो रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन रिलीज होने का मतलब है कि यहां पे उनके मासेस जो है वो रिड्यूस हो रहे हैं, और जबकि यहां पे आप इसको निगेटिव चार्ज दे रहे हैं तो इसका मतलब उनका मासेस जो है वो बढ़ता जा रहा है, उनके मास जो है वो बढ़ रहे हैं। तो इस कंडीशन में अगर आप किसी बॉडी को निगेटिव चार्ज देते हैं तो उनका मास जो होगा वो पहले की कंपेरिजन में यानी न्यूट्रल की कंडीशन से ज्यादा हो जाएगा, और अगर उसको आप पॉजिटिव चार्ज करते हैं तो उसका मास जो होगा वो पहले की कंडीशन से कम हो जाता है। क्लियर, अब देखिए ये दोनों कंडीशन है, लेकिन प्रैक्टिकल कंडीशन ये है कि चूंकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है वो काफी कम हो जाता है, कम होता है, तो कम होने की वजह से अब प्रैक्टिकल वैल्यूज अगर इनको देखेंगे तो दैट आर वेरी निग्लेजिबल, इसलिए हम उनके मासेस को कभी भी इनके चार्जेस में काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज हो रहा है तो मासेस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के केस में मास रिड्यूस हो जाएगा, और जबकि निगेटिव चार्ज करेंगे तो आपका ये मास होगा वो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, चार्ज के बारे में अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर किसी भी चार्ज को हम कंसीडर करें तो चार्ज होता है, चार्ज इज ऑलवेज क्वांटाइज्ड। चार्ज हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है यानी होता है, इसका मतलब है क्या, क्वांटाइज्ड होने का मतलब, फोर्थ पॉइंट, क्वांटाइज्ड होने का मतलब होता है कि कोई भी अगर फिजिकल क्वांटिटी है और वो फिजिकल क्वांटिटी केवल डिस्क्रीट वैल्यूज को होल्ड करती है तो उसको हम बोलते हैं कि वो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो क्वांटाइज्ड है। यानी जैसे अगर हम कहें कि मान लीजिए हमने यहां पर लिया चार्ज को और इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्लस माइनस एन ई से, एन यहां पर रिप्रेजेंट करेगा
इसकी डिस्क्रीट वैल्यूज को। डिस्क्रीट वैल्यू कहने का मतलब है कि कोई फ्रैक्शन नहीं लेंगे हम लोग, यानी पॉइंट्स में वैल्यू नहीं होनी चाहिए, लाइक एज 1, 2, 3, 4 इस तरह से अगर वैल्यूज है तो डिस्क्रीट वैल्यूज है। इनमें कभी भी इलेक्ट्रॉन्स को हम इस तरह से नहीं लिखते हैं, यानी चार्जेस को कभी इस तरह से नहीं लिखते हैं प्लस माइनस 1.3 e या 0.7 e या समथिंग लाइक दिस, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जब भी हम इनको रिप्रेजेंट करेंगे तो वो इनके डिस्क्रीट वैल्यूज में रिप्रेजेंट किया जाता है, इसलिए डिस्क्रीट इक्वल टू होता है प्लस माइनस m इनटू e। e क्या है? e जो है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है? 1.6 इनटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बारे में इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका फिफ्थ पॉइंट अगर हम लोग कंसीडर करें इसका, तो फिफ्थ पॉइंट क्या कहता है? फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि मान लीजिए अगर चार्ज जो है वो स्टैटिक कंडीशन में है, मान लीजिए हमने इसमें चार्ज लिया प्लस क्यू, दिस वन इन स्टैटिक कंडीशन यानी v इज इक्वल टू जीरो है, स्टैटिक कंडीशन यानी वेलोसिटी उसकी जीरो है। तो अगर कोई चार्ज वो स्टैटिक कंडीशन में है या चार्ज बॉडी वो स्टैटिक कंडीशन में है यानी वेलोसिटी उसकी जीरो है, तो उस कंडीशन में वो केवल और केवल क्या जनरेट करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ये केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। क्लियर? अगर वही चार्ज, हमने ये कहा दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज, और इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के केस में ये मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब होगा कि दिस इज नॉट एक्सेलरेटेड बॉडी, यानी इसमें एक्सेलरेशन जीरो होगा। तो अगर मूविंग कंडीशन में है तो उसके केस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करता है। इसकी तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर मान लीजिए ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है एंड वी डज नॉट इक्वल टू कॉन्स्टेंट, यानी या तो वी घट रहा होगा या तो वी बढ़ रहा होगा, यानी वेलोसिटी वो या तो बढ़ रही होगी या घट रही होगी, बढ़ने का मतलब एक्सेलरेट हो रहा है, घटने का मतलब डीएक्सेलरेट हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड और इसके साथ साथ रेडिएशन इमिट करता है। ये तीन इसकी प्रॉपर्टीज आती हैं। ठीक है, तो चार्ज की कंडीशन में अगर वो स्टैटिक में है तो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, मूविंग कंडीशन में है तो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट करेगा, और अगर एक्सेलरेटेड है या डीएक्सेलरेटेड हो रहा है तो उस कंडीशन में रेडिएशन भी जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ। क्लियर? चलिए इसके हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि चार्ज होता है, दैट इज ऑलवेज चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व इन आइसोलेटेड सिस्टम। अगर कोई आइसोलेटेड सिस्टम है तो उसका जो टोटल चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। टोटल चार्ज कंजर्व होगा लेकिन उसकी जो इंडिविजुअल चार्जेस होते हैं उनमें आपस में चेंज हो सकता है। यानी अगर हम ये कहें कि मान लीजिए हमारे पास एक कोई बॉडी है और इसका टोटल चार्ज हमने कहा कि क्यू है, ठीक है, तो इनके अपने इंडिविजुअल चार्जेस हो सकते हैं Q1, Q2, Q3, Q4 लाइक दिस, और इन सब का ओवरऑल इफेक्ट क्या है कि क्यू है। इनकी अपनी Q1, Q2, Q3, Q4 इनकी अपनी वैल्यूज में, इनकी इंटेंसिटी में, इनके इफेक्ट्स में अलग अलग इंडिविजुअल इफेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ओवरऑल इफेक्ट किसके बराबर होगा? इस क्यू के बराबर होगा। क्लियर? तो यानी हम ये भी कह सकते हैं कि क्यू जो होगा दिस इज इक्वल टू Q1 + Q2 लाइक दिस, इस तरीके से कंसिडर करेंगे इसे। चलिए इसके नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि कोई भी अगर बॉडी है उसको चार्ज हम तीन तरीके से ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आई थिंक 6 है, चार्ज इज ऑलवेज
ट्रांसफरेबल, ये पॉइंट हम आपसे पहले डिस्कस कर चुके हैं, बाय, यानी किसी भी बॉडी को चार्ज करने के तीन तरीके हो सकते हैं. द फर्स्ट वन इज कंडक्शन, सेकेंड इज द इंडक्शन एंड थर्ड इज द फ्रिक्शन. कंडक्शन में दो बॉडी जब कांटेक्ट में ले आते हैं तब वहां पे चार्जेस ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी एक अनचार्ज बॉडी है और यहां पे कोई एक चार्ज बॉडी है तो चार्ज बॉडी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है और मान लीजिए निगेटिव भी हो सकती है. तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेकर के अनचार्ज बॉडी आपकी जो है दिस इज न्यूट्रल बॉडी, तो इसको क्या कर सकती है, चार्ज कर सकती है, और यहां से ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको प्रोवाइड करके इसको चार्ज कर सकती है. तो ये चार्जेस तब तक ट्रांसफर होते रहते हैं जब तक इन दोनों के बीच में चार्जेस आपके इक्वल नहीं हो जाते. तो ये जो प्रोसेस होता है इसको बोलते हैं कंडक्शन. इंडक्शन अभी हम बाद में डिस्कस कर रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में बात करते हैं सीधे फ्रिक्शन की. तो देखिए फ्रिक्शन में क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई दो बॉडी है जो स्टैटिक बॉडी है और उनको आपस में अगर फ्रिक्शन रगड़ती है यानी फ्रिक्शन होता है उनके बीच में, तो ऐसी कंडीशन में चार्ज एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग ग्लास रॉड को कंसीडर करें और ये ग्लास रॉड को जब हम सिल्क के साथ रबिंग करते हैं रगड़ते हैं तो जो ग्लास रॉड आपकी है ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज होल्ड करती है, और जबकि सिल्क मान लीजिए ये सिल्क का कोई क्लॉथ है तो इस पे हमेशा चार्जेस कैसे आएंगे, निगेटिव. तो सिल्क अगर है तो उसपे निगेटिव चार्ज हो जाएगा और ग्लास रॉड है तो उसपे पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा जब इन दोनों को आपस में हम फ्रिक्शन करते हैं, ये दोनों आपस में जब हम रगड़ते हैं इनको. इसमें अगली बात मान लीजिए हम करें तो इबोनाइट रॉड जो होती है, इबोनाइट रॉड को जब हम पूल के साथ रबिंग करते हैं तो इस कंडीशन में इबोनाइट रॉड पे निगेटिव चार्ज जबकि वूल पे आपका पॉजिटिव चार्ज हो जाते हैं, ठीक है. इसी तरह से आपने देखा होगा कि जब भी बादल गरजते हैं तो बादल जो होते हैं यानी क्लाउड्स उनके बीच में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन की वजह से वो भी चार्ज हो जाते हैं. जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी जो लाइटनिंग वहां पे दिखती है वो इन्हीं चार्जेस की वजह से आती है और ये चार्जेस उनके फ्रिक्शन की वजह से जनरेट होते हैं, क्लियर. तो हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं. नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी बॉडी में जो चार्ज होता है, दिस इज द सेकेंड पॉइंट, सेवन पॉइंट सॉरी, चार्ज ऑलवेज रिसाइड्स ऑन आउटर सरफेस ऑफ एनी कंडक्टर. किसी भी कंडक्टर के आउटर सरफेस पे ही रिसाइड्स होते हैं. मतलब अगर मान लीजिए कि एक स्फीयर है हमारे पास तो इस कंडीशन में दिस इज द चार्जेस विच ऑलवेज रिसाइड्स ऑन द सर्फेस, इसकी बाहरी सर्फेस पे हमेशा लाई करते हैं. यही वजह है कि चाहे आप एक सॉलिड, इसको आप मान लीजिए ये एक सॉलिड स्फीयर है और यहां पे हम एक दूसरा स्फीयर ले रहे हैं जो कि हॉलो स्फीयर है. दिस इज रिप्रेजेंटिंग, मान लीजिए ये जो है इसकी आउटर रेडियस है R2 और ये इसकी इनर रेडियस है R1. तो ये मान लीजिए हॉलो कंडीशन है तो यहां पे भी चार्जेस कहां रहेंगे, इसके सबसे ऊपर वाले पोर्शन पे यानी सरफेस पे. यही वजह है कि चाहे आप हॉलो स्फीयर कंसीडर करते हैं या फिर आप सॉलिड स्फीयर कंसीडर करते हैं, दोनों ही केसेस में जो मैक्सिमम पॉसिबल चार्जेस होते हैं सरफेस पे वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. क्या होते हैं, इक्वल, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन, मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज ऑन सरफेस ऑफ सॉलिड स्फीयर एंड हॉलो स्फीयर आर सिमिलर, ठीक है. तो
चाहे आप हालो लीजिए चाहे सॉलिड लीजिए, दोनों के केस में मैक्सिमम पॉसिबल चार्जेस जो गोल्ड यहाँ पे होते हैं उनके सर्फेस में वो इक्वल होते हैं। रीजन क्या है? रीजन उसका यही है क्योंकि ये जो चार्ज होता है वो कहाँ रिसाइड्स, दीज आर रिसाइड्स ऑन द आउटर सर्फेस। नेक्स्ट इसी में अगर हम पॉइंट बताएं तो आपका जो स्लोप बबल्स आपने लिखा होगा, स्लोप बबल्स को अगर हम कंसीडर करें तो व्हेन स्लोप बबल्स आर चार्ज, जब भी आप स्लोप बबल्स इसको मान लीजिए दीज आर द स्लोप बबल्स, सॉरी ये स्लोप बबल्स है, और स्लोप बबल्स को जब भी आप चार्ज करते हैं व्हेन दिस वन इज चार्ज दिस इज द स्लोप बबल, when this is charged this always expand, इसी वजह से ये हमेशा expand करता है फैलता है। तो जब भी आप किसी सोप बबल को चार्ज करते हैं तो उसमें क्या होता है? एक्सपेंशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि आपने अभी कहा कि जो चार्जेस होते हैं वो कहां होते हैं? ऑन द आउटर सर्फेस। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका ये कहता है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज ऑन द सर्फेस आर नॉट यूनिफॉर्म, यानी चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनके सर्फेस पे यूनिफॉर्म नहीं होता। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज आर नॉट यूनिफॉर्म ऑन सरफेस, सरफेस पे इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता। यूनिफॉर्म नहीं होता तो जाहिर सी बात है कहीं ज्यादा कहीं कम होता होगा। तो होता क्या है कि चार्ज या चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं, यानी चार्ज आर चार्ज डेंसिटी आर चार्ज डेंसिटी, इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है चार्ज डेंसिटी को मान लीजिए हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये क्या होती है? दिस इज क्यू बाई ए, यानी पर यूनिट एरिया में जितना भी चार्ज होता है वो चार्ज डेंसिटी के इक्वल है। ये दिस इज फॉर द स्फेरिकल कंडीशन। तो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर। आर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी जहां पे रेडियस ऑफ कर्वेचर मिनिमम होगा वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या होती है? मैक्सिमम। वहां पे चार्ज डेंसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाएगी। इस बात को अगर आप और देखना चाहें तो होगा क्या, मान लीजिए जैसे अगर इसी को हमने क्या किया इस तरह से बना दिया, तो यहां से देखिए अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर देखते हैं तो यहां पे सबसे क्या है? मिनिमम। अगर यहां पे मिनिमम है तो इसका मतलब इस पोर्शन में चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन या चार्ज डेंसिटी जो होगी उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? मैक्सिमम। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एट दिस पॉइंट विल बी मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि यहां पे इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? मिनिमम। अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर जहां मिनिमम होता है तो वहां पे चार्ज डेंसिटी या फिर चार्ज उसकी वैल्यू मिनिमम हो जाती है। चलिए इस बात को थोड़ा सा हम प्रूव भी कर सकते हैं। तो कैसे? क्योंकि देखिए मान लीजिए कोई भी कंडक्टर हम लेते हैं, कंडक्टिंग बॉडी लेते हैं, फॉर एनी कंडक्टिंग बॉडी और एनी कंडक्टिंग बॉडी जो उनका सरफेस होता है वो क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस बॉडी, इट हैव इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस होने का मतलब वीएस इज इक्वल टू Vs इज इक्वल टू ये यहां से हो जाएगा वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड, देखिए V इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, यानी W क्या होता है आपका F इंटू आर डिवाइडेड बाई क्यू नॉट। एफ क्या है? यहाँ पे कूलम फोर्स से अगर आप इसकी वैल्यू रखते हैं तो हो जाता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर और बाई आर स्क्वायर। तो ये अगर इसकी वैल्यू यहां पे आर हो गई, सॉरी दिस क्यू इंटू क्यू नॉट कर देते हैं डिवाइडेड बाय क्यू नॉट, तो देखिए क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, आर से एक आर कैंसिल आउट, तो वैल्यू यहां कितनी हो जाएगी क्यू बाई
दिस इज इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बाई आर। तो यहां से ये क्यू बाई आर आ गया। और आपने क्या कहा, जो चार्ज डेंसिटी होती है वो क्यू बाई ए होती है। तो चार्ज डेंसिटी अगर क्यू बाई ए है तो जो आपका क्यू होगा वो सिग्मा इंटू ए के बराबर हो जाएगा। तो यहां से इसको हटा देते हैं। अगर ये सिग्मा इंटू ए है तो कोई भी स्फीयर अगर होता है उसकी रेडियस आर है तो उसका एरिया कितना हो जाता है 4πr2। और ये वैल्यू जो होगी यहां से फिर क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 4πr2 × σ। अब ये वैल्यू जब आप इस इक्वेशन 1 में डाल देते हैं यानी रख देते हैं तो यहां से हो जाएगा Vs इज इक्वल टू 1/4πε0 एंड Q बाई आर। तो दिस Q कैन बी रिटेन एज 4πr2 × σ। तो यहां से आपकी सॉरी इसको भी आर कर दीजिए r2। तो यहां से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 4π से कैंसिल आउट हो गया। एप्सिलॉन नॉट आपकी वैल्यू पहले से ही कंफर्म है, ये क्या है कांस्टेंट। यानी यहां से क्या मिला, r और सिग्मा की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट होने का मतलब आप ये कह सकते हैं कि सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। यानी जहां पर रेडियस आपका वेचर मिनिमम होगा वहां पे सिग्मा क्या हो जाएगा आपका मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी के जो कूलम्स लॉ है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसको बताएंगे। और जो भी चीजें हैं अगर हो सके तो आप प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, बाकी आपकी इच्छा। थैंक यू।